नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो जैम। तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी डिटेल में। मैंगो जैम बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दो मीडियम साइज के मैंगो को लिया है और उसको मिक्सी में बारीक पीस लिया है, जिसका पूरा ग्राम 200 ग्राम के करीब है। मैंने मैंगो जो लिए हैं वो मीठे हैं, तो मैंने इसमें करीब 150 ग्राम्स ऑफ शुगर ली है, ब्लैक सॉल्ट अर्थात काला नमक, और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटा हुआ नींबू का रस। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और हमारे जो मैंगो का पल्प है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। मैंगो जैम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस तो होती है, साथ ही में बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में रख सकते दे सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। हम इसको करीब वन साइड 5 मिनट्स तक हिलाएंगे और ये जैसे जैसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे हमारा जो ये पेस्ट है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा अर्थात थिक होता जाएगा। इसके बाद हम इसमें हमारी शुगर डालेंगे और इसको फिर लो फ्लेम पर वन साइड मिक्स करेंगे। ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी। इसके बाद में हम इसके अंदर हमारा आधा जो नींबू का रस था वो मैं इसके अंदर डालूंगी एंड देन हम इसमें एक छोटी चम्मच मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं एज यू लाइक। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यह थिक हो गई है और इसके बाद में हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होती है और ठंडा होने के बाद में ये अपने आप स्वतः थिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स तैयार है मेरी मैंगो जैम। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मैंगो जैम कैसी लगी। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।